चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वास्तव में जिसको वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है ना, वो वृंदावन जाकर के किसी कुंज में बैठ जाएगा, कहीं कोने में बैठ जाएगा। अच्छा, ये बातें जो है ना, ये मैं बहुत कम करता हूँ कथाओं में, क्योंकि वृंदावन की रस चर्चा सबको समझ में नहीं आती। सबको ये लगता है कि भाई जैसे राहुल केला वैसी वृंदावन है, वैसा नहीं है वृंदावन। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करना कि हम राहुल केला से जाएं, बिहारी जी राधारमण जी दर्शन करके वापस राहुल केला आ जाएं, वृंदावन कहीं पकड़ नहीं ले हमको, क्योंकि वृंदावन ने यदि पकड़ लियो ना, रसखान गए थे वृंदावन। कैसे गए रसखान? रसखान को सुंदर रूप देखने का शौक था। एक परिवार था दिल्ली में, उसके छोटे से बालक को रोज ले जाता रसखान, क्योंकि एक तो मुगलों का साम्राज्य, ऊपर से रसखान सेनापति था मुगल का, इसलिए डर के मारे घर के लोग बेचारे कुछ नहीं कहते, रोज अपने बालक को तैयार करके खड़ा कर देते कि रसखान लेने आएगा। रसखान तो बालक को लेके चला जाता, माता पिता रोते ही रहते कि हमारा बालक सुरक्षित वापस आ जाए। और शाम को आते आते रसखान वापस करता कुछ नहीं, बस वो बालक को ले जाके एकांत में उसको बैठा के देखता रहता था, कितना सुंदर खुदा ने तुमको बनाया, केवल रूप देखता था। तब एक वृंदावन से आचार्य गए और आचार्य ने रसखान को कहा कि इस बालक पर तुम इतने कुर्बान हुए जा रहे हो, इतने फिदा हुए जा रहे हो, इससे सुंदर बालक दिखा दूं तो? रसखान बोला, मैं आधी मूछ रखूंगा, इससे सुंदर बालक नहीं हो सकता। तभी उन रसिक के पास ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का एक सुंदर चित्र था, किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर बनाया था। तब फोटोज तो खिंचते नहीं थे, चित्रकारी होती थी। और वो चित्र निकाल करके जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान ने तुरंत चित्र पकड़ लिया। बोले, कौन है ये? बोले, मैंने कहा था ना, तुम जिस रूप पर मोहित होते हो उसका अति सुंदर रूप है ये। रसखान तो देखने लगा, आहा, नेत्रों की आकृति तो देखो कितनी सुंदर, अरे केश ऐसे ही हैं क्या वास्तव में इस बालक के, इतने घुंघराले, इतने रेशमी, अरे इसके हाथ भुजाएं तो देखो, इसके चरण कमल तो देखो, इसका वक्ष तो देखो, इसकी ग्रीवा तो देखो, अरे बहुत सुंदर है ये बालक तो, मेरी तो दृष्टि ही नहीं हट रही है। जो रसिकाचार्य थे उन्होंने चित्र वापस ले लिया, पर रसखान तो व्याकुल हो गया। एक चित्र देख करके उसकी छवि चित्त में बस जाती है, परंतु रसखान तो इतने व्याकुल हो गए, पीछे पड़ गए, चरणों में गिर गए, मुझे वो चित्र दे दो। चित्र दे दिया, हृदय से लगा करके बैठ गए, ये तो बहुत सुंदर है, ये बालक कहां मिलेगा? और रसिकाचार्य बोले, ये बालक वृंदावन में रहता है, इसके पिताजी नंद बाबा हैं, मैया यशोदा जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। रसखान बोले, वृंदावन तो यहीं पास ही है। बोले, हाँ वहीं रहता है। अच्छा, वहां कहां मिलेगा ये बालक? बोले, बालक बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इसको ढूंढने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। रसखान बोले, जो कहोगे सो करूंगा, पर ये बालक मिलना चाहिए। रसिकाचार्य जी ने बताया, बोले नित्य यमुना स्नान करना पड़ेगा, संत जनों को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत जनों को ही उसका पता होता है, वो संत जन प्रसन्न होकर के किसी दिन आज्ञा कर देंगे, वहां चले जाओ तो वहीं मिलेगा वो, इसलिए नित्य संतों को प्रणाम करना पड़ेगा। और बालक बड़ा चतुर है। बोले, क्यों?
ऐसे ही किसी का स्पर्श नहीं करता है। रसखान बोले कब करता है स्पर्श? बोले पहले देखता है कि गले में कंठी माला होगी, सिर पर उर्दपुंड होगा, मुख में गुरु मंत्र होगा, चित्त में उसका स्वरूप विद्यमान होगा, तभी स्पर्श करता है। रसखान बोले मैं सब कर लूंगा, तिलक लगा लूंगा, गले में कंठी माला पहन लूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मुझे इस बालक से मिलाओ। रसिकाचार्यों ने नियम बता दिए और रसखान वृंदावन में कोई भक्ति करने नहीं आए थे। रसखान वृंदावन में तो उस बालक से मिलने आए थे। बस बालक किस कारण से मिलेगा, किस उपाय से मिलेगा, वो सारे उपाय मैं करूंगा। और उन्हीं उपायों में भक्ति करते 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 भक्त राज बन गए श्री रसखान। हाँ, अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अकबर की एक पत्नी हुई ताज बेगम। वो ताज बेगम ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख करके वापस चली गई, लेकिन उसको ज्वर चढ़ गया। अब तो 24 घंटा ठाकुर जी की याद में रोती रहती है। तब अकबर से आज्ञा लेकर, बड़ी लंबी बड़ी कथा है, उतनी बड़ी तो नहीं, पर अकबर से आज्ञा लेकर के ताज बेगम वृंदावन आ गई हमेशा के लिए। और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के बस दर्शन की लालसा में घूमती रहती। कोई उसको मंदिर में नहीं घुसने देता, क्यों, वो मुसलमान है, इसको कैसे जाने देंगे भीतर। पता नहीं किस भाव से आई है, किस कामना से आई है। दर दर भटकती और यही पद गाती थी। ये ताज बेगम का ही पद है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी ना जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बद नाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। ताज बेगम के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ताज बेगम को मंदिर नहीं जाने देते थे, तो मंदिर से दर्शन करके आने वाले लोगों से ताज बेगम पूछती थी, आज कैसा श्रृंगार किया है, कैसा रूप बनाया ठाकुर जी ने, कैसे वस्त्र पहने, कैसे पोशाक पहने। एक बात सुनो, मैं बहुत सत्य घटना बताऊं। मंदिर में जाने से पहले 4-5 बातें सोच के जाया करो। आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की होनी चाहिए, आज ठाकुर जी की गले की माला ऐसी होनी चाहिए, आज ठाकुर जी के मत्साकृत मयूराकृत या फिर मकराकृत कुंडल होने चाहिए। मत्साकृत मतलब हो गए मछली के आकार के, मयूराकृत हो गए मयूर के आकार के, और मकराकृत हो गए मगरमच्छ के आकार के, और कुछ नहीं तो केवल मोतियों के कुंडल होंगे। मन में पहले से सोच लो, अपने चित्त में एक छवि ठाकुर जी की बना करके फिर मंदिर में जाओ, और फिर भीतर जाकर के मैचिंग करना कि मैंने जो जो सोचा उसमें से कुछ मैच हुआ कि नहीं। और जैसे ही आपको मैचिंग दिखेगी ना, दो लोग संग लेके जाना, क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाओगे, फिर बेहोशी आ जाएगी आपको, एक भी चीज यदि मिल गई तो। और जब मिलता हुआ दिख जाए ना, जो विचार किया वैसा श्रृंगार दिख जाए, तो बस प्रसन्न हो जाना कि मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं।
एक प्रसंग है, मैंने एक दो बार सुनाया कथा में, हमारे गिरधर लाल जी कल पधारे थे कथा में। आप श्री का प्रथम जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया नाथद्वार में, और इस बार ठाकुर जी का पंचम जन्मोत्सव भी नाथद्वारा में ही है। ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद्वारा में हुआ, द्वितीय जन्मोत्सव पंडरपुर में होना था पर कोविड के कारण वृंदावन में हुआ, तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होना था पर कोविड के कारण वो भी वृंदावन में हुआ, और चतुर्थ जन्मोत्सव ठाकुर जी का अयोध्या जी में हुआ, और फिर अब की बार पांचवा उत्सव ठाकुर जी का द्वारिका में हुआ। अब छठवा उत्सव है ठाकुर जी का, हमारे गिरधर लाल जी का, श्री नाथद्वार में। आप लोग भी आइएगा 11 से 17 जनवरी, ठाकुर जी का हर वर्ष 11 से 17 जनवरी अलग अलग जगह पर उत्सव होता है। और देखो जगह पता कैसे डिसाइड होती है, अंतिम दिन चार पर्ची डाली जाती है चार जगहों की, उसमें से एक पर्ची उठेगी, जहां का नाम आता अगला उत्सव वहीं होता है। तो इस बार चार पर्ची डाली थी और चार पर्चियों में था तिरुपति बालाजी, गुरुवायूर, नाथद्वार और श्री गोवर्धन वृंदावन अपने ब्रज में। तो जब पर्ची उठी तो आया नाथद्वारा, श्री नाथद्वारा। तो 11 से 17 जनवरी वहां होगा उत्सव। तो प्रथम उत्सव जब ठाकुर जी का हुआ, हमारे लाल जी जब एक साल के भय, तो कितनी सत्य घटना बहुत ध्यान से सुनना। तो वहां कथा का नियम होता है 9 बजे कथा शुरू होती है, 12-12:30 बजे तक कथा चलती है लाल जी के उत्सव में, और शाम को उत्सव होते हैं। तो सुबह सुबह उठ करके मैं ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करके बढ़िया उनको तैयार करके बंगला सजा करके, सर्दियों का समय होता है तो पुष्प के बंगले नहीं बनते ठाकुर जी के, हठरी बनती है, हठरी ठाकुर जी को धराई जाती है। तो प्रथम दिन नीला श्रृंगार, मोतियों की माला, और ठाकुर जी बैठे कांच की हठरी में श्रृंगार करके 9 बजे मैं अपना बाल भोग पाके सीधे कथा में चला गया। नाथद्वार में राजभोग ठाकुर जी का जो होता है वो 11:30-12 बजे होता है, और उसी समय विशेष श्रृंगार होता है श्रीनाथ जी का। तो एक बालक को मैंने सेवा दे रखी थी, मैं तो कथा में रहूंगा, तुम रोज श्रृंगार का दर्शन करके आना और मुझे बताना कि ठाकुर जी कैसा श्रृंगार कर रहे हैं। तो प्रथम दिन नीली पोशाक, मोतियों की माला और कांच की हटरी में श्री गिरधर लाल जी विराजे। कथा हुई, कथा के उपरांत मैं जैसे ही मंच से उतरने लगा तो वो बालक, उनका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कि तुम दर्शन करके आए? बोले हाँ, मंदिर का प्रसाद दिया। मैंने कहा कैसा श्रृंगार है आज श्रीनाथ जी का? बोले महाराज जी नीली पोशाक है, मोतियों की माला है, कांच की हटरी में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अरे मैंने कि तुम गिरधर लाल जी का मत बताओ, ये बताओ श्रीनाथ जी का। बोले मैं श्रीनाथ जी का बता रहा हूं। मैंने कहा सच बताओ, श्रीनाथ जी का श्रृंगार? बोले हाँ। तो प्रथम दिन इतना आनंद हुआ, लेकिन वहां नियम है कि राजभोग के बाद फिर हठरी आदि जो है वो बढ़ा देते हैं, तो शाम के दर्शन में दर्शन नहीं होता। मैं शाम को जाता था तब ठाकुर जी सहज भाव से मिलते थे। मैंने कहा लाल जी बड़ी कृपा करी, आज तो आपने हमारी सेवा स्वीकार कर ली है। दूसरे दिन मैंने ठाकुर जी का, श्री गिरधर लाल जी का श्रृंगार भयो, और हमने घटा का श्रृंगार किया। घटा का श्रृंगार कैसा होता है? पिछवाई भी उसी रंग की, पाग भी उसी रंग की, पोशाक भी उसी रंग की, मुजरी भी उसी रंग की, मसनद भी उसी रंग की, चौकी का जो नीचे की ठाकुर जी की गद्दी होती है वो भी उसी रंग की, नीचे खंड सब एक ही रंग होगा ऊपर से नीचे तक, केवल ये सांवला सांवला दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, उसको घटा का श्रृंगार कहते हैं। तो हमने बैगनी घटा का श्रृंगार किया श्री गिरधर लाल जी का, पूरी सब घटा बैगनी बैगनी बैग, सब जगह बैगनी। बोले तो थोड़ा पर्पल टाइप का घटा थी। श्रृंगार करके मैं चला गया कथा करने, कथा करके मुझे लगा एक दिन मैं छो गया। दूसरे दिन जब उतर करके गए तो हमने उससे पूछा, मैंने हाँ भाई आज श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा? अच्छा वो गिरधर लाल जी का दर्शन बाद में करता था, मैं लाल जी श्रीनाथ जी का दर्शन बाद में करता था।
उसको भी नहीं पता होता था किसी गिरधरलाल जी का श्रृंगार कैसा। मैंने पूछा, मैंने कहा आज कैसा श्रृंगार श्रीनाथ जी का? बोले महाराज जी आज तो बैगनी घटा है पूरी। और उसने जब बैगनी घटा बोली, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा सच में बैगनी घटा है? बोले हाँ। अब तो नेत्रों में सजलता होने लगी, मानो ऐसा लगने लगा कि अब कोई बात ना करे मुझसे, मैं एकांत में थोड़ी देर रहूं। वो एक अलग प्रकार का आनंद है, नेत्रों से आंसू भी निकल रहे हैं, कुछ बोलने की इच्छा भी हो रही है, पर मौन रहने का मन भी हो रहा है, और एक अजीब सी घबराहट हो रही है, लेकिन प्रसन्नता भी, वो वर्णन नहीं कर सकता मैं उस स्थिति का। तीसरा दिन, अब मुझे लग रहा था कि ये तो रोज मिलता है कुछ ना कुछ, पर आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा कि कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमने ठाकुर जी को मल्टी कलर ड्रेस पहनाई, बहुत सारे कलर मिक्स उसमें, तो उसमें लाल पीले हरे गुलाबी बैंगनी सबकी, ठाकुर जी को बढ़िया बाघा धराया, उसी का श्रृंगार किया, पीछे की घटा भी ऐसी बना दी, सारा श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार पूर्ण हो गया, तब मैंने कहा कुछ और बढ़ा दूं कि आज देखूं कि मैच होगा कि नहीं। तो हमने असमय में, मतलब कोई नियम नहीं था, श्री गिरधर लाल जी को सेहरा पहना दिया, दुल्हा बना दी ऐसी लाल जी अपने, और कथा करने गए। अब कथा में मन मेरा कम लगे, वो लगे कब पूरी हो, मैं उससे पूछूं आज कैसा श्रृंगार। तीसरे दिन में भागवत जी से उतरा, प्रणाम करके सीधे भागा उसको, मैंने सुने इधरा सही बता आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा। उसने कहा आज ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने लाल पोशाक पहनी है। तो लाल पोशाक सुनते ही मैंने कहा अब मैचिंग नहीं हो रही। बोले महाराज जी लाल पोशाक पहनी है और ठाकुर जी ने स्वर्ण के आभूषण पहने हैं। मैंने कहा आज तो मिला ही नहीं श्रृंगार। ठाकुर जी ने कानों में मयूराकृत कुंडल पहने हैं और आज ठाकुर जी ने लाल पाग और उस पर सेहरा पहना है। अब जैसे ही उसने कहीं सेहरा पहना है, मैं कम से कम 10 मिनट तो बिना संगीत के नाचा। अब वो कह क्या हो गया, मैंने कहा बस अब जो हुआ मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। तब से मेरा ये नियम है, मैं कहीं भी जाता हूं ना थोड़ा कुछ तो सोच के जाता हूं पहले से। लेकिन इसमें एक बात है, आपके दर्शन की उत्सुकता इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि आप पहले विचार कर चुके हो कि ऐसा कुछ श्रृंगार होगा, तो आप जैसा दर्शन करोगे ना वो भूल नहीं सकते आप उस दर्शन को। दूसरी बात, अगर कहीं से भी मिल गया आपका मन का भाव तो अत्यंत प्रसन्न, बस अभिमान मत आने देना चित्त में। और तीसरी बात, यदि आपका श्रृंगार जो जैसा विचार किया ना मिले, ठाकुर जी से ना मैचिंग खावे, तो फिर बहुत रोना भी आ सकता है, तो बहुत निराशा भी हो सकती है। इसलिए अत्यंत उत्सुकता वो हो जाए तो अभिमान मत करना, और बहुत कष्ट हो तो रोना नहीं, तैयारी बना के जाना, लेकिन करना जरूर, मेरी कही ये बात। और ये पता है सब जगह कुछ ना कुछ किया करो, अपने गुरुदेव से मिलने जाओ तो मन में विचार करो आज अगर गुरुजी ने ऐसा कुछ किया तो समझ जाऊंगा कि मुझसे प्रसन्न है। कई लोग हैं वो मेरे हमारी कथा सुनते हैं और कथा लाइव ही सुन रहे हैं अपने घर बैठ के, वहीं से सोचते हैं आज महाराज जी ने अगर हमारा नाम बोल दिया मंच से कथा कहते कहते। फिर एक कोई मुझे मिले तो बोले महाराज जी हम पहले ही सोच के बैठे थे आप आज आपने ऐसा बोला तो हम समझ जाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न है, और आपने तुरंत ही बोल दिया। मैंने कहा भाई मैं मुझे कोई पता नहीं चली थी कि तुम सोच रहे हो, ये तो ठाकुर जी बुलवाते। पर इस प्रकार का स्वीकारीकरण आपकी भक्ति की पुष्टता को प्रमाणित करता है। ताज बेगम वो मंदिर नहीं जा पाती है, पर नित्य आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती है कि श्रृंगार कैसा है ठाकुर जी का, और जैसा जैसा लोग वर्णन करते हैं वैसी छवि अपने चित्त में बनाती है। ये करते करते ताज बेगम को महीनों बीत गए, वो रोज सुन सुन करके ठाकुर जी की छवि चित्त में बनाती है और वही दर्शन करती है। एक दिन ताज बेगम ने सोचा हर बार तो मैं सबसे सुनती हूँ, आज मैं खुद ही श्रृंगार करती हूँ और फिर पूछूंगी। तो आज ताज बेगम ने अपने हृदय के ठाकुर जी का खुद ही श्रृंगार किया। ऐसी पोशाक है, ऐसी माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कानों के कुंडल हैं।
अब वो जब गई, ये प्रेरणा मैंने ताज बेगम से ली, तो वो गई और जाकर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई, अंदर तो जाती नहीं है। तो जैसे निकल कर क्या उनसे पूछती है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा? बोले आज तो ठाकुर जी ने लाल लाल पोशाक पहनी है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, ऐसी पाग पहनी है, यहाँ पर थोड़ी पर हीरा लटका है, नथ बेसर पहनी है। अब ताज बेगम रोवे सो रोवे, क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में भी ऐसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया। स्थिति ये हो गई ताज बेगम की, अब ताज बेगम जो सोचती है ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं भीतर, उसको भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, ताज बेगम को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं मंदिर में, वो जानती है कि आज ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार होगा। अब तो ये स्थिति हो गई कि ताज बेगम यदि सोच ले कि ऐसा नहीं, ऐसे होंगे ठाकुर जी, तो वैसे ही बनेंगे आज ठाकुर जी भीतर। पुजारी जी और कुछ कर ही नहीं सकते, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। यही स्थिति सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज रोज वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का। एक दिन गुसाई जी ने कहा कि ये तुक्का मार देते हैं, इनको दिखता तो है नहीं, आंख तो है नहीं इनकी, इनको कैसे पता ठाकुर जी कैसे बने? तो ठाकुर जी को एक कॉपीन पहना दी, गले में मोतियों की माला पहना दी, और कुछ पहना ही नहीं। आज ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। सूरदास जी से बोले, अब बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले पीतांबरी बोल देना, ये तो सामान्य बात है, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते ही हैं। सिर पर पाग बोल देना, कभी मुकुट बोल देना, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि पाग और मुकुट के अलावा कुछ पहनते नहीं है। आज बताए सूरदास क्या पहना है ठाकुर जी ने, क्योंकि सूरदास ठाकुर जी तो आज निर्वस्त्र खड़े हैं, नेत्र है नहीं सूरदास जी के। जैसे कपाट खुले श्रीनाथ जी के, सूरदास जी पहले तो मुंह पे हाथ धर के खूब हंसे। गुसाई जी बोले, क्या हो गया, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बताओ तो सूरदास कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के। सूरदास जी कहते हैं, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा। सबके नेत्र सजल हो गए जब सूरदास जी ने वर्णन किया। नेत्रों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए भैया, प्रेम की आवश्यकता है, अंतर हृदय में भाव की आवश्यकता है। कानों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भाव की आवश्यकता है। जीव की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा गाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। ताज बेगम कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। देव पूजा ठानी मैं, नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुनन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हू बिकानी, तेरे हाथ हू बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेर नेह दाग में ने दाग हूँ गधूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, सुनो गुल जानी मैं।
मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जान। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैंने कि वही ताज बेगम जब वृंदावन जाती है तो उसको भीतर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल वृंदावन को भजती है और वृंदावन की कृपा से ठाकुर जी मंदिर के बाहर तक दर्शन दे देते हैं उसको, बाहर नहीं अंतस्थ में। और वृंदावन जब कृपा करता है ना बंधुओं, तब वृंदावन की कृपा से आपको साधन की आवश्यकता नहीं होती, आप जहां बैठेंगे वहीं राधा रमन लाल हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री बिहारी जी महाराज हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं यमुना जी हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो जाएंगे। ये वृंदावन कृपा करके प्रदान करता है, ये अन्य में सामर्थ्य नहीं है कृपा करने की। भाई आपको किसी की कोई वस्तु चाहिए तो जिस पर वो वस्तु है उसी से तो मांगोगे, वृंदावन की श्री यमुना जी हैं, वृंदावन के श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री राधा रमन राधा वल्लभ राधा बांके बिहारी ये वृंदावन के ठाकुर हैं, वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन इनको प्रदान करेगा। फिर चाहे आप जहां रहो वृंदावन कृपा अनुग्रह करके ये प्रदान करता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि श्री जी को भजो, ठाकुर जी को भजो, जिसको भजना भजो, परंतु एक बार मेरे कहे से वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दो। नित्य आप अपनी सेवा के भाव में अपने जब भी आप बैठते हैं अपने ठाकुर जी के आगे नेत्र बंद करके शिव वृंदावन 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 भजो, वृंदावन अनुग्रह करता है तो आपको कण कण में श्री राधा रमन जी का अनुभव होता है, ऐसा श्री वृंदावन धाम। उस वृंदावन में ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो था ये सर्प के रूप में आया था, ठाकुर जी ने जाकर के उसका वध किया और ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश करके भगवान ने ग्वाल बालों को वहां से मुक्त किया। धनुकासुर नाम का दैत्य था उसका वध किया बलराम जी ने। तत्पश्चात भगवान ने कालिया नाग का भी वध किया। कालिया नाग का वध तो नहीं, कालिया नाग को यमुना जी से दूर भगाया। तत्पश्चात भागवत में वेणु गीत का प्रसंग आता है अत्यंत सुंदर। कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत अभी लगभग डेढ़ दो महीना पहले जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, वहां श्री वेणु गीत पर ही तीन दिन तक चर्चा हुई। बहुत सुंदर है, इतना प्यारा है वेणु गीत। वेणु गीत का मतलब क्या है? लाइव टेलीकास्ट। ठाकुर जी वन में जाकर के वंशी बजाते हैं और उस वंशी को जब ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो किलोमीटरों दूर गोपियों के कान में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है, ध्वनि जाते ही ठाकुर जी के एक स्वरूप को प्रकट कर देती है और जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट होता है गोपियों के चित्त में वो वास्तविक में वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने इस वक्त धारण किया होता है।
ऐसा वो वेणु गीत है। उसमें गोपियों का मनोभाव यहां पर वर्णन किया गया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है दर्शन करो कि बरहा पीड़म। ठाकुर जी अपने सिर पर मोर पंख से अभिसिंचित मुकुट धारण करते हैं। बरहा पीड़म, आपीड़ कहते हैं मुकुट को, और नटवर वपु, नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को, पर ठाकुर जी कैसे बोले नटवर, आकर्षण करने वालों में भी सर्वोपरि, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ठाकुर जी के प्रति आकर्षित ना हो। मधुसूदन पाद सरस्वती अपने एक वाक्य में कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, हे मन तू वृंदावन मत जाना। मन तो कहता मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा वृंदावन जाए तो वहां एक काम करना। बोले क्या? कुंज गलियों में मत जाना। बोले मैं तो जाऊंगा। अच्छा कुंज गली में जाएगा पर कुंज गली में कृष्ण को मत खोजना। मन कहता मैं तो खोजूंगा। तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं अच्छा कृष्ण को खोज तो लेना पर कृष्ण का मुख मत देखना, उसके चरण देखते रहना। मन कहता नहीं मैं तो उनका मुख देखूंगा। बोले अच्छा मुख तो देखना पर आंखें मत देखना। मन कहता नहीं मैं तो आंखें देखूंगा। तो फिर अंत में मधुसूदन पाद अपने मन को ही धूर्त कहते हैं। बोले धूर्त तू फंसेगा अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो। क्यों? वो नेत्रों से ऐसा कुछ करेंगे कि फिर तू जीवन में कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। तब मन कहता मुझे आना ही नहीं है, इसीलिए तो जाना है वृंदावन। मानो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ पर श्याम सुंदर को दूर से देख दाख के आ जाओ भैया। कहीं अगर ज्यादा समीप चले गए और कहीं ठाकुर जी ने अपनी चित्तवृत्ति तिरछी चितवन से आपकी ओर देख लियो फिर कोई के है नहीं पाओगे, कोई और को देख नहीं पाओगे। लोग बाग कहते हैं निधिवन में रात में चले जाओ तो सुबह तक दिखना बंद हो जाता है, सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ तो सुबह तक व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा भैया ठाकुर जी देख दिख गए ना जिन आंखों को, वो आंख किसी और को देख ही नहीं पाएंगे, तो अपने आप अंधे हो जाओगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेणु गीत में साक्षात गोपियां कह रही हैं। अक्षण वताम फलमिदं परम विदाम सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्य वक्तम ब्रजेश सुतयोरण वेणुजुस्तम कटाक्षमोक्षम। अरे गोपियों इन आंखों से केवल और केवल नंद नंदन को देखने में ही सुख मिलता है। इसलिए हम तो आज घोषणा कर रही हैं, उद्घोषणा कर रही हैं, जिनको भी ठाकुर जी ने आंख दी है और सही सलामत आंख दी है, आंखों में देखने की सामर्थ्य अभी भी यदि बची है, भली चश्मा लगा के देख रहे हो लेकिन देख तो रहे हो ना, देखने की सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने नेत्रों में प्रदान की है तो गोपियां कह रही हैं उस प्रत्येक मानव को प्रयास करना चाहिए वो कैसे भी एक बार श्री कृष्ण को देख ले। क्योंकि अगर उनको नहीं देखा और जीवन उसने गवा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने नेत्र पा करके नेत्रों का साफल्य नहीं किया। मतलब आम मिला है तो भैया उसको खा लो, आम मिला है तो आम रस बना के उसको पी लो, आम मिला है तो उसका स्वाद ले लो। आप आम को सजाए धजाए रखे रहोगे क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिन बाद खाने योग्य ही नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही गोपियां कह रही हैं नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कर लो। ये जीवन बहुत कम है, यदि इस जीवन में आपने नेत्रों से कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां कहती हैं नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं मिलेगा आप लोगों को। सूरदास जी का पद है हरि दर्शन के प्यासे अखियां
हरि दर्शन की प्यासी। गाओ सब लोग। हरि दर्शन की प्यासी प्यासी हरि दर्शन की।